अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को खुद मोनेटाइज कर सकते हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर्स हैं तो आपके लिए यही वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने चैनल तो बना लिया है, अब आपको उसमें वीडियोस डालनी है और वीडियोस को जो है कि व्यू लाना है, उस पर वॉच टाइम बढ़ाना है, अपने सब्सक्राइब को पूरा करना है और अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए बस यही कुछ सीमित नहीं होता, हमको यूट्यूब चैनल पर जो है कि बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है, तब जाके हम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर पाते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर अगर आपको जो है कि पैसे भी कमाने हैं और लॉन्ग टाइम तक काम करना है, यूट्यूब पर अपना नाम कमाना है, तो आपको जो है कि दोस्तों यूट्यूब पर ऑर्गेनिक तरीके से काम करना होगा। जैसा कि दोस्तों आपने यूट्यूब चैनल तो बना लिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब पा सकते हैं, जल्द से जल्द आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं YouTube के एल्गोरिदम की। अगर दोस्तों आपको YouTube का एल्गोरिदम नहीं पता है तो सबसे पहले आपको YouTube के एल्गोरिदम को समझना होगा। आपको YouTube के एल्गोरिदम को बिल्कुल अच्छे से समझना है। YouTube पर अगर आप रेगुलर काम करना चाहते हैं, YouTube पर आप जल्द से जल्द ग्रो होना चाहते हैं, YouTube पर आप अच्छे खासे व्यूज पाने चाहते हैं, तो आपको YouTube के एल्गोरिदम को एक बार अच्छे से समझना होगा। अगर आप YouTube के एल्गोरिदम को समझ जाते हैं तो आप जो है कि अपने वीडियोस को बहुत जल्द से वायरल कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं YouTube चैनल पर कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप कैटेगरी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी को आप अदला बदली करते रहेंगे, तो भी आपके YouTube चैनल पर दिक्कत आ सकती है, आपके जो है कि व्यूवर्स जो है कि घट बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको पहले ही अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते ही इस बात को सिलेक्ट कर लेना है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए क्या कैटेगरी को रखना है। आपको दोस्तों एक कैटेगरी को सुनिश्चित करके आपको रेगुलर उसी कैटेगरी पे वीडियोस को अपलोड करना है। आपको उस कैटेगरी में जो है कि छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपको जो है कि जो जितने भी व्यूज़ मिलेंगे, जितने भी सब्सक्राइब मिलेंगे, उसी कैटेगरी के मिलेंगे और वह कैटेगरी वाले जो है कि आपकी हर एक वीडियोज़ को देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपको दूसरा काम ये बिल्कुल ही पहले ही सुनिश्चित करना है कि मुझे इसी कैटेगरी पर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को अपलोड करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेगुलरिटी। जैसा कि दोस्तों मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये चार गलतियां बताई थी कि आपको कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर जो है कि इन चार गलतियों को नहीं दोहराना है। दोस्तों आपको अपने जो है कि एल्गोरिथम को समझ लेना है, आपको जो है कि वीडियो की कैटेगरी को अच्छे से सेलेक्ट करना है। तीसरा दोस्तों आपको अपनी वीडियोस पर रेगुलरिटी रखनी है। जैसा कि दोस्तों आप अगर एक रेगुलर वीडियोस बनाएंगे, एक ही कैटेगरी पर वीडियोस बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आप बहुत जल्द ही अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे, आप बहुत जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने एक ही कैटेगरी पर काम किया था और मैंने रेगुलर इसमें वीडियोस बनाई थी, मैंने रेगुलर काम किया था, यानी जब तक मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो गया था तब तक मैंने बहुत ही जो है कि ज़्यादा अपने YouTube चैनल पर मेहनत करी। आप अपने YouTube चैनल पर कोई भी ट्रिक वगैरह बिल्कुल भी मत लगाइए, ओरिजिनल तरीके से आप अपने YouTube चैनल पर जो है कि वीडियोस को अपलोड कीजिए, YouTube के एल्गोरिथम को समझिए, YouTube के SEO को समझिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने से नहीं रोकेगा। बस आपको अपने YouTube चैनल पर जो है कि कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, आपको एल्गोरिथम को समझना है। हम एल्गोरिथम हमको पता नहीं, SEO हम अपने वीडियो का आता नहीं, हम दबा दबा अपने चैनल पर वीडियो डाले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको आप एक एक वीडियो को जो है कि पूरा टाइम देना है, अच्छे अच्छे थंबनेल बनाने हैं, टाइटल अच्छा लेना है, टैग्स अच्छे डालने हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना है और अच्छे से जो है कि आपको अपनी वीडियो का SEO करना है। ये काम आपको बहुत महत्वपूर्ण है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।